देगी चिकन बीफ दम पोख्त, कबाब मसाला, जैसे हनी विंग्स की तो बात ही और है, और बहुत आला टेक्सचर इनका लग रहा है। चिकन जल फ्रेजी, शीश तोक, बीफ अगवानी टिक्का, चांपे वो भी नमकीन, ओए होए। गोलगप्पों की बाइट अब लेते हैं। बहुत अस्सलामुअलैकुम फूडीज, मैं हूं नूरुल हसन और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। आज हम लोग आए पेशावर में, यहां पे बूफे सिस्टम है शेराज रौनक। तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता होगा ये बहुत ही बेहतरीन बूफे, यहाँ पर 60+ डिशेज हैं बूफे के अंदर। और आज मेरा दोस्त वापस जा रहा है जी दुबई, नबील भाई, तो यहाँ इनकी फ्लाइट भी है पेशावर में, तो पहले हम लोग बूफे ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद इन्हें सी ऑफ करेंगे। तो अब अंदर जाते हैं और टाइम लेट नहीं करते और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर खाने के लिए। तो आए चले चलते हैं। शेराज रौनक और नबील और इर्जम भी हमारे साथ है, तो अब अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या सीन्स है। और माशाल्लाह से फुल लग्जरी बना हुआ है शेराज रौनक, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने इन्वायरमेंट दिए, अंदर भी सिटिंग एरिया और बाहर भी है, लेकिन हम लोग बाहर ही बैठेंगे। ये इनका बूफे यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको बताते हैं इनके बूफे में क्या है। ये सेक्शन इनका सूप का है, क्योंकि सर्दी है सबसे पहले हम लोग सूप देखेंगे। ये इनका स्पेशल सूप है ये वाला। फिर जी हॉट एंड सॉर सूप इनका है, ओए होए गर्मा गर्म, आए हाय। और ये इनका सबसे पहले शुरू होता है जी काबली पुलाव, आए हाय। फिर उसके बाद अचार हांडी, वो भी मिट्टी के बर्तन में और बहुत आला सर्व किया हुआ इन्होंने। फिर उसके बाद ये है बिरयानी, आए हाय फुल स्पाइसी बिरयानी लग रही है। फिर उसके बाद मटन हांडी, मटन आ गया जी, वो भी मिट्टी के बर्तन में, आया है जो इसका लेवल है ना, और ही मिट्टी के बर्तन में इनकी हांडी, वो भी मटन में। और ये इनका कीमा फ्राई है, ओए होए, और मज़े की बात है गरम गरम, फुल गरम गरम। फिर ये है नान, गर्मा गर्म नान, वो भी रोगनी और तेल वाले और कुलवंजी वाले। और फिर इसके बाद आता है जी कबाब मसाला, जैसे कबाब की हांडी बनी हुई हो, आए हाय। एक से एक बढ़ के चीज़ें, चिकन जल फ्रेजी, चिकन जल फ्रेजी, ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी कुल्फियाँ, ये कुल्फियाँ जी। और अब चाइनीज़ की बारी आ गई है जी, पास्ता, फिर स्वीट एंड सॉर फिश, ओए होए, किंग पाव चिकन फुल चाइनीज, और हनी विंग्स, आए हाय हनी विंग्स की तो बात ही और है, और बहुत आला टेक्सचर इनका लग रहा है। और अब ट्राई करते हैं, मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है, बंदा कह रहा है अभी शुरू कर ले, लेकिन आपको बताना भी क्या क्या। फिर आती है इनके चिकन मंचूरियन, आए हाय गरम गरम बिल्कुल, एग फ्राइड राइस, बीफ मंगोलियन, ओए होए बीफ मंगोलियन, बीफ चिकन चिली ड्राई माय फेवरेट, बहुत ही मज़े का होता है जब चिकन चिली ड्राई और साथ में चाइनीज़ राइस या फ्राइड राइस कुछ भी साथ इसके साथ मिला के खाओ, बहुत ही आला टेस्ट होता है। ये इनके बूफे सिस्टम है और ये लाइव किचन है हमारी आंखों के सामने। इसमें क्या है जी? फिश हैम्बर, ओह अच्छा, ये बीफ दम पोख्त, ओए होए बीफ दम पोख्त, देग चिकन, ठीक है देगी चिकन, ये स्टीम में, ये ईरानी फिश है बोनलेस, आए हाय, ये बीफ चपली कबाब, और ये वाइट पास्ता, आए हाय।
ये मिनी बर्गर्स, ये मिनी बर्गर्स हैं चिकन में, ये फ्रेंच फ्राइज, ये है चाउमिन, और ये जॉइंट साइज की देग है ये जी काबली पुलाव की, ओए होए साथ में है गार्निश। और ये स्टीम चिकन है जी, स्टीम हो के आया हुआ है, ये देखिए रान के पीस, फुल हैवी सीन है जी बारबेक्यू का, ओए होए। ये क्या है भाई जान, चटनी, और ये किस चीज़ की चटनी? ये आलू बुखारे की चटनी और केचप। और ये एरिया है जी इनका लाइव बारबेक्यू सेशन इधर चल रहा है, बीफ अगवानी टिक्का, ओए होए, चपली कबाब यहाँ भी हैं, चिकन बोटी, चिकन बोटी जी, चिकन नमकीन बोटी, नमकीन आए हाय, शीश तोक बोटी, शीश तोक नान, रेशमी कबाब, ओए होए, राजस्थानी बोटी, फुल बारबेक्यू का हैवी सीन यहाँ पर चल रहा है, बीफ सी कबाब, बीफ के सी कबाब, ओए होए, मलाई बोटी, यार सब्र नहीं हो रहा कब खाऊंगा, चिकन विंग्स, ओए होए, फ्राइड फिश, इसकी तो आज तबाही उतारनी, लेकिन ये है जी कांटों वाली हम बोलने सिखाएंगे, जो खाना है फिर वो शर्माना नहीं है, बताना है हाँ जी ये खाना, और ये ऑटोमेटिक ही चल रही है जी, वो पीछे इनकी ग्राही टाइप लगी हुई है, और ये है जी सीखें, खुद ही चल रही है, और ये हैवी बारबेक्यू, ओए होए, हैवी बारबेक्यू क्या लग रहा है जी भाईजान, ये क्या है? अगवानी टिक्का, ओए होए, बीफ अगवानी टिक्का, और ये क्या है? चिकन, ये चिकन नमकीन बोटी, अगवानी टिक्का के अंदर ये देखें, ये है जी इन्होंने चर्बी डाली हुई, लाठ की चर्बी है, ओए होए, और हम गरम गरम लाइव किचन में इधर टेस्ट करेंगे इनका, ये है जी रेशमी कबाब, रेशमी कबाब आए हैं गर्मा गर्म, बिल्कुल गरम गरम निकला है, तो उसे चटनी और आलू बुखारा इमली की चटनी और केचप के साथ, गरम गरम का और ही मज़ा है, अंदर लेके जाते जाते ना ठंडी हो जाती है, क्योंकि सर्दी अब फुल सर्दी है, और गरम गरम यहाँ लाइव बारबेक्यू चल रहा है, और साथ ही हम लोग इंजॉय कर रहे हैं जी इनका बीफ अगवानी टिक्का आए हैं, बिल्कुल ही नरम मुलायम ज़बरदस्त टेक्सचर इसका, बहुत ही आधा टेस्ट लो, और जो इसके ऊपर चर्बी की लेयर लगी हुई उसका और ही मज़ा है, और शीश तोक, ओए हो, बहुत ही आला लग रहा है, माशाल्लाह प्रिटी गुड, बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये सेशन है जी मीठे का, संडेस, पेस्ट्रीज, जेलीज, केक, और साथ में है जी बिस्किट्स, कपकेक्स, और ये है चीज़ टाइप केक लग रहा है, ऊपर मेंशन नहीं है, वैरायटी ऑफ स्वीट्स, और ये पाइनएप्पल के साथ इन्होंने दी, और ये जैसे लोटस होता है वैसे, ओए होए, वैरायटी ऑफ स्वीट्स, और मीठे में है जी जेली, ओए होए, चॉकलेट केक, चॉकलेट केक, वाह अलग तरह का नज़र आ रहा है, क्रीम कैरीमल, ओए होए, और ये है जी मलाई केक, मलाई केक यार बहुत अलग अलग नाम है, और ये इनकी खोए वाली खीर आ गई जी, लब्बे शीरी, कराची की याद ताज़ा होगी, लब्बे शीरी आ गई जी,
फ्रूट ट्राइफल आए है, वैनिला माउस ओए होए, मीठा शौकीन हाजिर हो भाई, फुली हैवी चीज है। आप ट्राई करते हैं इनका फूड कैसा, टेस्ट कैसा, वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, अब टेस्ट चेक करते हैं टेस्ट कैसा। सारी चीज़ें ट्राई करनी है, थोड़ा थोड़ा डालना है। ये है जी इनका चपली कबाब, फिर इनकी आगे जी ईरानी फिश बोनलेस, फिश के तो शौकीन है और ऊपर से है भी ठंड, तो फिश ज़्यादा ही डालेंगे। और देगी चिकन एक लेग डालते हैं, ओए होए देगी चिकन, और गर्मा गर्म आ गया जी हमारा पुख्त बीफ दम पुख्त, ओए होए फुली लेवल। ये देखें हमारी प्लेट रेडी हो रही है, और से इसका दम पुख्त का जो पानी है, ओए होए ये तेल सा आए हाय, ये है हमारा दम पुख्त ज़्यादा डाल लिया लेकिन चले। ये ऊपर थोड़ी सी इसकी गार्निश करते हैं। अब हम लोग ट्राई करेंगे इनकी अचारी हांडी, ओए होए और ये है जी इनकी मटन हांडी, लग रही तो लेवल की, मिट्टी का ये जो चमचा भी और सारा इन्होंने फुल ट्रेडिशनल स्टाइल में इन्होंने सर्व किया हुआ है। आए हाय ये है जी इनकी नली वाली हड्डी भी डाली हमने, ट्राई करेंगे नली है भी कि नहीं इसके अंदर। ये है इनकी मटन हांडी। सबसे पहले हमारे पास फिंगर फिश है इनकी, फिर उसके बाद है ये इनका चपली कबाब, ओए हो टेक्सचर चेक करें बिल्कुल ही सॉफ्ट, फिर उसके बाद ये है इनके दम पुख्त आए हाय, फिर उनकी ये स्टीम लेग ओए होए फुल, ये देखिए टेंडरनेस लेवल ओए, फिर ये है जी इनकी मटन हांडी, और ये चारी कढ़ाई, और फिर उसके बाद हमारे पास भाई ने गर्मा गर्म ये सर्व किए, ये हैं चाम्पे आए हाय हाय, बिल्कुल ही नमकीन चाम्प नमकीन। फिर उसके बाद बारबेक्यू में हमारे पास आता है ये चिकन टिक्का, ये है जी अगवानी बोटी, ये है मलाई बोटी, मलाई की तरह सॉफ्ट है, और ये है जी इनका ये जो स्पेशल इनकी चीज़ है ये शीश टॉक ओए होए हो, और ये है जी इनका बीफ कबाब, बहुत ही आला टेस्ट है इसका, मैंने ट्राई किया है तो, और साथ में ये इनका चिकन विंग्स। और अब ट्राई करते हैं, पहले तो हम फिश से स्टार्ट लेते हैं, आए हाय बहुत ही सॉफ्ट लेवल है इसका, बिल्कुल नमकीन और बहुत आला टेस्ट, बहुत ही लाजवाब इसका जायका आ रहा है, बिल्कुल नमकीन। फिर उसके बाद हम लेते हैं ये इनका नरम सा इनका चपली कबाब का टेस्ट कैसा है, और जो भाई ने प्यार से ला के दिए ना टेबल पे, ये है जी इनकी चाम्पे, वो भी नमकीन ओए होए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आला टेस्ट है। फिर थोड़ी सी इनकी ये करते हैं स्टीम लेग का टेस्ट, यार एक तो कहते हैं ना ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये वो हिसाब नहीं, बहुत ही मज़ेदार, जैसे इनका नाम तो इतना हम सफ़र करके अटक से पिशावर, बहुत ही आला टेस्ट है। फिर हम थोड़े से इनका जो स्पेशलिटी है नरम नरम नान कुलवंजी वाले, और साथ में इसमें रोगनी नान है, ये इनका ट्राई करते हैं दम पुख्त ओए होए। नबील को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे हाईली रिकमेंड उसने किया, और साथ में ये जो इनका सॉफ्ट है ये आलू, ये बिग सी बाइट, इसका लेवल ही और है, बहुत आला।
बहुत ही टेंडर इसका मीट है, और ये देखें रेजे रेजे मीट इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया, और साथ में ये जो गरम गरम आलू है, सारे मज़ा इसका। खट्टा मीठा टेस्ट आता है इस आलू का। और फिर उसके बाद ये है जी इनकी अचारी हांडी कढ़ाई। आय हाय, हाथ रुक नहीं रहा, और नबील भाई लोगों के मुंह में पानी आ रहा पीछे, और वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, बहुत ही आला टेस्ट है। और नबील भाई को भी ड्रॉप करना है, हमने तो थोड़ा बहुत खाना और निकल जाना है, थोड़ा तो नहीं है तो बहुत सारा। और ये है जी मटन नमकीन कढ़ाई, आया है। और मटन नमकीन कढ़ाई का भी अलग ही टेस्ट है। अब फिर इसके बाद हम लोग मीठा खाएंगे, मीठे में देखते हैं क्या क्या, ये फिनिश करते हैं। हाँ जी नबील भाई, फुल तबाही बताएं। लास्ट बार 2 महीने हो गए मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो आज मैं डॉक्टर दो तीन जगह मैंने खाया, लेकिन तो आज पेशावर की तरह दौलत का कोई वो नहीं है कि कोई ऐसी बात है, तरीफ वाला तो चलिए। और इज़म भाई आप भी कुछ कह दें, बहुत आला, ठीक हो गया जी। और हम लोग आ गए हैं जी गोलगप्पा बनाने। आए हाय, ये है गोलगप्पा, ये हैं जी चने, उसे चने डाले, ये है जी चटनी, सॉस टाइप इन्होंने चटनी बनाई हुई इसके लिए, ओए होए लाल किस्म की है। ये है जी गोलगप्पों का पानी, ये देखिए, ओए हाँ, ये फोर से इसके अंदर डाला पानी, एक हैवी बाइट होगी इंशाल्लाह। ये देखिए गोलगप्पों की बाइट अब लेते हैं। मज़े के हैं, लेकिन नमकीन है, मसाला शाला इसके अंदर नहीं, तो मसाला ये लोग ऐड करें तो और भी मज़े के होंगे। आ गए जी सैलेड कॉर्नर, प्लेट रेडी हो के आ गई, मैंने पहले ये डाले जी वाइट सॉस पास्ता, और ऑलिव्स इसके अंदर ज़्यादा डाले, मुझे अच्छे लगते हैं। इनकी जो सॉस है वो बहुत ही मज़ा करवा रही है। और जो और अब ट्राई करते हैं इनका फ्राइड राइस के साथ बीफ। बीफ बहुत ही आला इसका टेक्सचर है, फ्राइड राइस जैसे आम फ्राइड राइस होते हैं वैसे, और जो बीफ साथ मज़ा करवा रहा है आया है। और फिर उसके बाद हम लोग देते हैं रेड पास्ता। रेड पास्ता के साथ चावलों का मज़ा आ रहा है, क्योंकि तो उसे चावल उसके साथ ऐड हो गए। फिर है ये इनकी हनी विंग्स, ओए हो फुल जूसी लग रही हैं, ये देखिए आए हाय। और ये इनका बर्गर है, ये ट्राई करते हैं कैसा है। बर्गर सूखा सूखा हुआ है, लेकिन जो इनकी पैटी ना उसका मज़ा अलग है। फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं ये थोड़े से इनके राइस विद बीफ हैवी बाइट। जो फ्राइड राइस है ये सर से नॉर्मल ही आम रूटीन की तरह, और जो मज़ा करवा रही ने इनकी ये इनका बीफ है आया है। फिर उसके बाद ये है जी वाइट सॉस पास्ता। इसकी भी जो सारी गेम है ना ये वाइट सॉस की है। और ये इनकी वैरायटी ऑफ स्वीट्स हैं, ये केक एक सॉफ्ट सा टोस्ट लेते हैं, और ये इनका नाम मेंशन नहीं, कोई जेली टाइप है ये लेते हैं। और साथ में उस साइड का भी जाएँ तो हम लोग, मुझे ये लोटस केक लग रहा है, ये जो लोटस है आए लोटस की तरह ही इसका चीज़ लोटस होना, और ही मज़ा है, चीज़ नज़र तो नहीं आ रही, ये है जी लोटस आए है। एक बिस्किट और लेते हैं, कैंडी बिस्किट, ऊपर कैंडी बिस्किट के साथ इनका केक ट्राई करते हैं, मज़े का, लेकिन जैसे मेरी उम्मीद थी वैसे नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा और है। और ये इनकी जेली है, ऊपर इन्होंने ऑरेंज रखा हुआ है,
ये जेली, ये मज़े की, इसका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा है, उससे अच्छा जो लोटस समझ जाता है उससे अच्छा। और ये इनका क्रीम केक है, मज़े का। फिर उसके बाद हमारे पास आती है इनकी जेली। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बनना ट्राई करें ताकि टेस्ट का पता चले। और ये चॉकलेट केक, ओए होए, टेक्सचर चेक करें। नबील भाई आप भी मेरे से पूछो, ट्राई करें। फिर मलाई केक, मलाई, ये देखें ऊपर इन्होंने मलाई की तरह, ये देखें बिल्कुल सॉफ्टनेस लेवल इसका अलग है। और ये है इनका है चॉकलेट केक, मज़े का टेस्ट है। तो उसी इनकी जेली भी ट्राई कर लेते हैं, जेली आ गई, काफ़ी सारा मीठा है, बंदा क्या क्या ट्राई करे। और ये इनका जो मलाई केक है बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट, मज़े का। और अब हम आ गए इनकी खीर पर, और खीर का भी मैं वो पीस डालूँ जो ऊपर से जिसकी तह लगी हुई वो आया है, इसका और ही मज़ा है। मैं घर में भी जो कभी भी ऐसे होना तो रात को के ऊपर जो ऊपर वाली उसकी साइड होती है वो खा जाता हूँ, और भाइयों के लिए दूसरी ज़्यादातर छोड़ी। और ये है लब्बे शीरी, कराची की याद आ गई। इनकी खीर का टेक्स्चर बहुत ही आला है, बिल्कुल रबड़ी खीर की तरह है। आया है, खीर भी मज़े की है। और ये इनकी लब्बी शीरी के अंदर इन्होंने ट्राइफल टाइप केक्स और बहुत सारा कुछ डाला, ये ट्राई करता हूँ क्या चीज़ है। लब्बी शीरी के अंदर इन्होंने सेब डाले, और ये है जी ट्राइफल पाइनएप्पल के साथ। मज़े का, ये शुगर फ्री है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर है नहीं, तो अगली दफ़ा आए तो हो गई तो फिर ये खाई लेंगे। और अब लास्ट हम आ गए जी कुल्फ़ी पर, कुल्फ़ी ट्राई करते हैं कैसी। ये इनकी बन रही हैं और फ्रीज़र के अंदर बनी हुई पड़ी हुई। नबील भाई ये ले, आए हाय कुल्फी हैं, ठंडा ठंडा, वो भी ठंडा की मज़े है। और नबील भाई की फ्लाइट भी टाइम हो ही गया, टाइम थोड़ा, और मीठा, मीठे का कंपटीशन ज़्यादा है तो आप कुछ मीठा छोड़ देंगे तो बहुत। और आज की वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बूफे सिस्टम था। और अब नबील भाई को छोड़ना है जी एयरपोर्ट, तो अब एयरपोर्ट जाते हैं और यहाँ पर वीडियो इख्तिताम करते हैं। तो नबील भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज ब्रदर। और नूर को ऐसे सपोर्ट करते रहे, और जजाक अल्लाह फॉर वॉचिंग नूर, जजाक अल्लाह फॉर वॉचिंग। और बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का, और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान अभी एक्सप्लोर करना। ये तो पेशावर था, कराची था, नरान का गान था, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करना और मज़े मज़े के खाने आपको बताने। तो फी अमान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।